वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप सभी का ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम इनपुट डिवाइस पढ़ रहे थे। इनपुट डिवाइस के पार्ट्स को हम देखा था, हम उसके बारे में जानकारी ले रहे थे। जैसे हम इनपुट डिवाइस कुछ इनपुट डिवाइस के बारे में हम पढ़ चुके थे और कुछ के बारे में हमें पढ़ना बाकी था, जैसे कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक के बारे में हम पढ़ चुके थे प्रीवियस लेक्चर्स में। आज का जो लेक्चर है वो बेस्ड है अगले नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के ऊपर, जो है स्कैनर। क्या है स्कैनर? आप सभी को ये तो पता ही है कि हम पढ़ रहे हैं इनपुट डिवाइस, तो जो स्कैनर है वो क्या होगा? इनपुट डिवाइस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, या कौन सा डिवाइस कौन से किसके अंदर आता है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन क्या है, फर्स्ट नॉलेज क्या है कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, फिर इसके बारे में हम जानते हैं कि स्कैनर क्या होता है। तो यहां देखिए एक बार, स्कैनर इट डिस्प्ले डायरेक्टली डाटा ऑन स्क्रीन। मतलब स्कैनर क्या करता है, जो भी आपका डाटा है, डॉक्यूमेंट है, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो ग्राफिक्स हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, चार्ट हो, एनिमेशन हो, कुछ भी आपका डाटा है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, उसको डायरेक्टली कहाँ डिस्प्ले करता है? स्क्रीन पर। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा उपकरण है, ऐसा यंत्र है, जो जैसा आपका डॉक्यूमेंट है वैसा का वैसा डॉक्यूमेंट की एक कॉपी डायरेक्टली आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होने लगती है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? कैसा उपकरण है जो कि डायरेक्टली हम जिसे कह सकते हैं कॉपी, हम एक डुप्लीकेट कॉपी बना सकता है, या उसकी हम शक्ल जो है, हम शक्ल कॉपी बना सकता है, या हम उसको बोल सकते हैं कि एक और इसकी प्रति बना सकता है, या छाया चित्र बना सकता है कंप्यूटर स्क्रीन का ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है वो ये है, इट इज ए ऑप्टिकली स्कैन इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये कौन स्कैनर क्या करता है, स्कैन करता है इमेज को, प्रिंटेड टेक्स्ट को, या किसी भी ऑब्जेक्ट को। मतलब कोई भी इमेज का मतलब यहाँ पर ग्राफिक्स है, कोई भी ग्राफिक्स हो उसको ये स्कैन कर सकता है। कोई भी प्रिंटेड टेक्स्ट हो, मतलब आपका डॉक्यूमेंट जो लिखा हुआ है कंप्यूटर के माध्यम से, या फिर आप ये मान लीजिए आप हाथ से लिखा हुआ है, या फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी आकृति हो, कोई भी शेप हो, कोई भी डिजाइन हो, उन सभी को ऑप्टिकली स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद कहाँ डिस्प्ले करता है? स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि स्कैनर एक ऐसा यंत्र है जो कि किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर स्क्रीन पर डायरेक्टली सीधे रूप में क्या कराता है? डिस्प्ले कराता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है टाइप, टाइप ऑफ स्कैनर। स्कैनर कितने प्रकार का होता है, स्कैनर के प्रकार क्या हैं? तो स्कैनर यहाँ पर दो प्रकार का है, पहला है फ्लैट बेड स्कैनर, दूसरा है हैंड स्कैनर। दो प्रकार का स्कैनर है, कौन कौन सा है? फ्लैट बेड स्कैनर और दूसरा है हैंड स्कैनर। तो हम अभी पहले के ऊपर डिफाइन करते हैं, देखते हैं फ्लैट बेड। तो यहाँ देखें ये होता है आपका फ्लैट बेड स्कैनर। ये जो स्कैनर है वो कैसा है? फ्लैट बेड है, मतलब जैसे फ्लैट मतलब समतल और बेड मतलब बिस्तर की तरह। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारा पलंग होता है वो। ठीक है, तो जो एक समतल एक सतह होती है वो फ्लैट बेड है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक समतल सतह है। ठीक है, अब इस सतह पर ये देखें कि यहाँ पे ग्राफिक्स रखी हुई है, ये ग्राफिक्स हम रखते हैं और उसके बाद उसको स्कैन कर देते हैं। तो जैसे स्कैन करते हैं वो हमारी प्रति कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देती है। तो समझ में आया स्टूडेंट्स, फ्लैट बेड स्कैनर मतलब एक ऐसा समतल सतह वाला स्कैनर, या जैसा स्कैनर जिसकी एक सतह समतल होती है और उसमें एक लेंस, एक कांच लगा होता है, पहले तो मिरर लगा होता है, उस मिरर पे आप कोई भी डॉक्यूमेंट रखें, चाहे वो टेक्सचुअल फॉर्म में हो, ग्राफिकल या इमेज फॉर्म में हो, या ऑब्जेक्ट फॉर्म में हो, कैसा भी एक आप डॉक्यूमेंट रखेंगे, जैसे ही आप उस पर रखेंगे उसके नीचे एक लेजर लाइट निकलेगी।
क्या निकलेगी? लेजर लाइट। जैसे जैसे वो लेजर लाइट निकलती जाएगी उस पेज के ऊपर से, वैसे वैसे आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो पेज है, वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले होता चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया फ्लैटबेड? और फ्लैटबेड स्कैनर का यूज ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स को, जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो उस ऑनलाइन फॉर्म में आपका जो फोटो है और जो आपका साइन है वो मांगा जाता है। आजकल तो आपके डॉक्यूमेंट को भी स्कैन कॉपी मांगते हैं, तो वो इसी के द्वारा होती है। ठीक है, आप गए हों बहुत सारे ई मित्र की शॉप्स पर, वहाँ पर यही काम आता है ज़्यादातर। जो आप फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन, तो उसमें डॉक्यूमेंट जो भी हैं, या जो भी आपका फ़ोटो है, या फिर जो आपका स्कैन किया हुआ जो आपका सिग्नेचर है, वो आपके फॉर्म में फिल होता है। तो जितने भी आजकल ये सारे काम हो रहे हैं, वो सारे फ्लैट बेड स्कैनर से हो रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया फ्लैट बेड स्कैनर क्या होता है? नेक्स्ट है हैंड स्कैनर। हैंड स्कैनर का मतलब क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, हैंड स्कैनर मतलब एक ऐसा स्कैनर जो कि हैंड मतलब हाथ के द्वारा संचालित किया जाएगा, हाथ से उसको यूज किया जाएगा। यहाँ पे देखें, ये एक हैंड स्कैनर की इमेज है। ये एक देखें, ये हाथ से पकड़ा जाने वाला है, ये अभी स्टैंड पर रखा हुआ है, आप चाहो तो उसको हाथ से पकड़ लें। हाथ से पकड़ने के बाद यहाँ पे देखें, ये जो आपका एक बटन है, इसको जैसे ही प्रेस करते हैं एक लेजर लाइट इसमें से निकलती है, और वो यहाँ पे देखें इस प्रकार से कुछ लाइन्स होती हैं, कुछ बार्स होती हैं, जिसमें मोटी भी होती है, पतली भी होती है, लम ठीक है किसी प्रकार की होती है। तो ये जो बार्स हैं, इसमें जो कोड छिपा होता है उसको स्कैन करने के काम में आता है हैंड स्कैनर। और ये जो इसके अंदर की जो कोड हैं, वो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होते हैं, तो ये फिर वो कंप्यूटर स्क्रीन पर उसकी जो प्राइस होती है वो डिस्प्ले होने लगती है। ठीक है, ये आपने देखा होगा काफ़ी हद तक मॉल्स में, सिनेमा घर्स में, या फिर आपके कहीं भी आप परचेजिंग करने जाएंगे तो वहाँ पे काम में आता है, या फिर पोस्ट ऑफिस में, ये वहाँ काम आता है। ठीक है, बार्स जो कोड होते हैं, बार कोड आपने देखा होगा, आपने कभी शॉपिंग की हो तो जैसे ही शॉपिंग करते हैं आप उसका बिलिंग करने जाते हैं तो उस पर एक लेबल लगा होता है, एक कार्ड लगा होता है, उस कार्ड के ऊपर इस प्रकार की कुछ बार्स होती हैं, और उस बार्स पे वो क्या करते हैं, कुछ तो लगे हुए होते हैं उसके आगे से इसको ले जाते हैं, या फिर कुछ हैंड स्कैनर होते हैं जो उस पर लाइट मारते हैं, और जैसे लाइट मारते हैं वैसे वो उसकी स्कैनिंग करता है। स्कैनिंग करने के बाद आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर उसका जो भी MRP होती है, रेट होती है, वो डिस्प्ले हो जाती है, और डिस्प्ले होने के बाद उसको वो हिसाब से हैंडल करते हैं। तो स्टूडेंट समझ में आया आपको? आजकल जो स्कैनिंग हो रही है, आपने देखा होगा COVID-19 में जो आपकी स्कैनिंग हो रही है, वो भी आपके एक तरह से हैंड स्कैनर ही है। जैसे आप उसके माथे पर लगाते हैं, जैसे सिर पर लगाते हैं, उसका टेम्परेचर आ जाता है, तो भी एक तरह से स्कैनिंग कर रहा है। मतलब जब भी कोई भी चीज़ को आप डायरेक्टली हम क्या करते हैं, स्कैन करके उसके स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं, तो वो स्कैनर कहलाता है। तो स्टूडेंट आपको समझ में आया स्कैनर क्या है? स्कैनर एक ऐसा डिवाइस है जो कि किसी भी डॉक्यूमेंट को, टेक्स्ट हो चाहे इमेज हो, या ऑब्जेक्ट हो, या कोई ड्राइंग हो, किसी भी डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर स्क्रीन पर डायरेक्टली डिस्प्ले कराने काम में आता है। दो प्रकार के होते हैं, फ्लैट बेड और हैंड स्कैनर। फ्लैट बेड मतलब समतल, और हैंड स्कैनर मतलब जो कि हाथ से चलाने वाला यंत्र होता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा स्कैनर। क्या है आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है, वो है टच स्क्रीन। नाम पे जैसे मैं हमेशा कहता आया हूँ, नाम पे कॉन्सेंट्रेट करें, ध्यान दें। ये क्या बताना चाह रहा है, अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है ये। टच स्क्रीन मतलब एक ऐसी स्क्रीन, एक ऐसा दृष्टि पटल, या एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर हम टच करते हुए किसी भी निर्देश को देते हैं, तो वो क्या कहलाता है स्टूडेंट? टच स्क्रीन। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखें, तो आपके जितने भी स्मार्टफोन्स हैं ये सब टच स्क्रीन में आते हैं, स्क्रीन में आते हैं। ठीक है, या फिर आप देखें ATM मशीन टच स्क्रीन में आती है। आप जो भी निर्देश दे रहे हैं उसको टच करके देते हैं, स्क्रीन को टच करते हैं। जैसे आपने ATM कार्ड लगाया, ठीक है, ATM कार्ड लगाने के बाद उसको टच किया, उसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, उन ऑप्शंस को आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फिर वो जो जो निर्देश देता है उस हिसाब से आप क्लिक करते जाते हैं हैंड के द्वारा, फिंगर्स के द्वारा, तो वो उस निर्देश आगे काम में करता चलाता है। ठीक है, तो यही है टच स्क्रीन, मतलब स्क्रीन को टच करते हुए किसी प्रकार के निर्देश को अगर आप देते हैं तो वो टच स्क्रीन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं फिर और समझेंगे। टच स्क्रीन इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। तो टच स्क्रीन क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि पॉइंट आउट करता है, मतलब पॉइंट करते हैं तब जाके काम करता है।
ठीक है, जैसे हमारा माउस था, पॉइंटिंग डिवाइस था, ठीक है, लाइट पॉइंट पॉइंटिंग डिवाइस था, इसी प्रकार से हमारा टच स्क्रीन भी पॉइंटिंग डिवाइस है। क्यों है? क्योंकि इसमें फिंगर या पॉइंटर की हेल्प से पॉइंट आउट करते हुए सभी प्रकार के काम को हम करते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है? इट इज ए कैपेबल टू एंटर डायरेक्ट डाटा डायरेक्टली यूजिंग पॉइंटर एंड फिंगर्स। जो मैं अभी आपको बता रहा था कि ये कैपेबल है, इसके अंदर क्षमता है एंटर करने की डायरेक्टली डाटा को यूजिंग पॉइंटर और फिंगर्स। फिंगर्स या पॉइंटर के माध्यम से डायरेक्टली डाटा को एंटर करने की इसमें क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, टच स्क्रीन में आगे हम देखेंगे, इट इज यूज इन मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट्स। इसको हम ज्यादातर काम में कहाँ लेते हैं? मोबाइल फोन में, टैबलेट्स में या एटीएम मशीन में, मैंने आपको भी बताया था। ठीक है, यहाँ देखें, ये एक आपका मैंने डायग्राम दिया है छोटा सा, ये टैबलेट का डायग्राम है। इसमें ये देखें, ये फिंगर्स की हेल्प से हम इसको क्या कर रहे हैं? पॉइंट आउट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, और टच करने के बाद किसी भी प्रकार का निर्देश दे रहे हैं। जैसे इसने यहाँ डेस्कटॉप स्क्रीन पर टच किया, तो ये जो डेस्कटॉप स्क्रीन का ऑप्शन था, यहाँ पे देखें, ये डेस्कटॉप स्क्रीन का ऑप्शन है, ये ओपन हो गया। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, किसी भी स्क्रीन पर फिंगर या पॉइंटर की हेल्प से टच करके अगर कोई निर्देश देते हैं तो वो क्या कहलाएगी? टच स्क्रीन। मैं आपको बता रहा था स्मार्टफोन के बारे में, स्मार्टफोन टच स्क्रीन का एग्जाम्पल है। जैसे आप सभी करते हैं, हम सभी करते हैं, ये डेली यूज में आजकल आने लगा है। इसमें जो भी निर्देश देते हैं हम टच कर करके देते हैं। ठीक है, जैसे आपको मैसेज करना है या आपको किसी को डायल करना है नंबर, तो आप क्या करेंगे? स्क्रीन पर टच करेंगे, उसके बाद फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट निकलेगी, उसमें फिर आप दोबारा स्क्रॉल करेंगे, फिंगर्स से स्क्रॉल करते हुए जाएंगे और जो नंबर आपको डायल करना है वो नाम आ जाएगा, उस नाम पे क्लिक करेंगे तो नंबर आ जाएगा, उसके बाद कॉलिंग का ऑप्शन आता है, कॉल करेंगे तो वो कॉल लग जाएगी। ठीक है, अगर कोई मैसेज टाइप करना है तो मैसेज बॉक्स में जाएंगे, एक कीबोर्ड आ जाता है आपके पास, कीबोर्ड में आप क्या करेंगे? फिंगर्स से कीज को दबाएंगे, दबाने के बाद फिर उसमें वो जो मैसेज है वो टाइप हो जाएगा, उसके बाद उसको आप सेंड कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसी प्रकार से टैबलेट्स जो कंप्यूटर होता है, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं? फिंगर्स की हेल्प से टच कर करके किसी प्रकार के निर्देश को दे सकते हैं। जैसे अगर मुझे कि ये मान लीजिए वाला फोल्डर ओपन करना था, तो फिंगर लेके जाऊंगा, डबल क्लिक करूंगा तो हमारा फोल्डर ओपन हो जाएगा। एटीएम मशीन का मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे ही आप एटीएम मशीन में जाते हो, एटीएम कार्ड लगाते हैं, एटीएम कार्ड लगाने के बाद जैसे ही आप लगाते हैं तो वो उसमें कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे विड्रॉल आता है, पिन जनरेट आता है, बैलेंस इंक्वायरी आती है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है, ट्रांसफर आता है, ये ऑप्शंस आते हैं। तो आपको जो भी करना होता है ऑप्शन, जैसे विड्रॉल करना है तो उसमें विड्रॉल पे क्लिक करते हैं, फिर आपसे पूछता है कि आपका पिन नंबर क्या है, वो बताते हैं आप, उसके बाद कितना अमाउंट आपको डालना है वो अमाउंट डालते हैं। तो ये सारे काम हम क्या करते हैं? फिंगर्स या पॉइंटर की हेल्प से करते हैं। तो स्टूडेंट, समझ में आया आपको टच स्क्रीन क्या है? तो ये आपके इनपुट डिवाइस था टच स्क्रीन, जिसमें हम टच करके स्क्रीन को